हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मेटल एंड मेटलर्जी चैप्टर। तो देखो यहाँ से हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। तो इस ये जो है ये वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग कोरोजन के बारे में जो है डिस्कशन जो है करेंगे। तो उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी को समझते हैं। देखो दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट इन समर और विंटर बट नॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी इट इज डिफिकल्ट टू गेट द रिजल्ट। ये जो एक्टिविटी आपको करनी है इस एक्टिविटी को आइदर आप कर सकते हो समर टाइम्स में या विंटर टाइम्स में। रेनी सीजन में आपको ये जो है एक्टिविटी जो है नहीं परफॉर्म करनी है। और रेनी सीजन में क्यों नहीं करनी है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो ऑलरेडी क्या होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। और जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है तो उसके कारण से रिजल्ट को अचीव कर पाने क्या होता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो करना क्या है, देखो टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। 3 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, उनका ए बी और सी जो उनको नाम देना है। पुट 3-4 आल्पिन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब तीनों के तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है 3-4 आल्पिन जो है आपको प्लेस जो है कर देना है। एड इनफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए, और जो टेस्ट ट्यूब ए होगा उसमें आपको क्या करना है इनफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है डालनी है सो दैट द पिंस आर सबमर्ज्ड। इतना पानी डालना है कि जो पिंस है वो क्या हो जाए सबमर्ज हो जाए। मॉइस्टन अ पीस ऑफ कॉटन एंड पुट इन लोवेस्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब बी। और जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब होगा सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है मॉइस्टन पीस ऑफ कॉटन को जो उसमें डालना है। लीव आल्पिन इन द टेस्ट ट्यूब सी अनटच्ड। और तीसरा जो आल्पिन होगा तीसरा जो टेस्ट ट्यूब होगा उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि ये देखो ए में वाटर है और इसके अंदर में आल्पिन है, बी में क्या है मॉइस्टन जो है कॉटन है, और सी में क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ आल्पिन है। नाउ मेक द टेस्ट ट्यूब एयर टाइट बाई प्लेसिंग बलून ऑन देयर माउथ। और तीनों के माउथ में आपको क्या कर देना है बलून को जो है पैक कर देना है जिससे एयर जो है ट्रांसफर ना हो सके। पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, और ये जो स्टैंड है इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आपको क्या करना है इन सबको रख देना है एंड प्लेस देम इन अ हॉट प्लेस। और इनको आपको क्या करना है सनलाइट के सामने रखना है या गर्म जगह पर जो है रखना है। कितने घंटे के लिए 3-4 घंटे के लिए आपको इस तरीके से अरेंज करके रखना है। ऑब्जर्व आफ्टर दिस टाइम रिमेंबर दैट रेट्स ऑफ द रिएक्शन आर स्लोअर इन द कोल्ड वेदर। अगर आप इसको ठंडे जगह पर रखोगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा काफी स्लो हो जाएगा। इसको आपको वार्मर प्लेस में रखना है आइदर सनलाइट के प्रेजेंस में या किसी हॉट प्लेस में जो आपको रखना है। अब इस देखो ये पूरा एक्टिविटी हो जाने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। डिड रस्ट फॉर्म इन आल्पिन इन द ऑल 3 टेस्ट ट्यूब। क्या सारे के सारे टेस्ट ट्यूब में जो आल्पिन लगे सब में रस्ट लगेगा? आंसर है नहीं लगेगा, सब में रस्ट नहीं लगेगा। रस्ट किस में लगेगा? बी वाले में जो है लगेगा। वॉज द अमाउंट ऑफ रस्ट फॉर्म सेम। क्या तीनों में जो रेस्ट में रस्टेड का जो अमाउंट है सब सेम है क्या? नहीं, बी में सबसे ज्यादा है, फिर ए में होगा, फिर सी में जो है होगा। डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द बलून कवरिंग द टेस्ट ट्यूब माउथ। क्या जो टेस्ट ट्यूब के माउथ में हमने जो बलून डाला था क्या उसमें आपने कुछ चेंजेस नोटिस किया? ये आप जरूर नोटिस करोगे। किसमें? वाटर वाले में नोटिस करोगे कि बलून का जो शेप हो क्या हो गया होगा इंक्रीज हो गया, क्योंकि गर्म जगह पर रखने से ये क्या होगा ये वेपर बनेगा और वेपर बनकर ऊपर उठने की कोशिश करेगा जिससे उसका एरिया क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस चेंज। इस चेंज से आपको क्या चीज समझ में आई? कुड इट बी द फॉर्मेशन ऑफ यूज ऑफ एनी गैस। क्या यहाँ पर किसी तरीके के गैस का यूज हुआ है? बिल्कुल यूज हुआ है। किसका? ऑक्सीजन का। ये देखो इसमें वाटर था और वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व अमाउंट में होता है और ये है मॉइस्टेंट कॉटन, तो कॉटन में भी क्या होता है ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है इसीलिए इसमें रस्टिंग जो है नहीं हुई। विच टेस्ट ट्यूब अमंग द 3 ए बी सी टेस्ट ट्यूब शोड मोर चेंजेस। सबसे ज्यादा चेंजेस किसने शो किया? आंसर है बी वाले ने सबसे ज्यादा शो जो है किया होगा। अब देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर जंग लगना है या रस्टिंग ऑफ आयरन लगानी है या रस्टिंग ऑफ आयरन होना है तो उसके लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट अदर फैक्टर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड एसिड आल्सो अफेक्टिंग रस्टिंग। बट इसके अलावा जो सॉल्ट होता है जो एसिड होता है वो भी क्या करता है रस्टिंग को जो है इफेक्ट जो है करता है। देयर प्रेजेंस इंक्रीज रेट ऑफ रस्टिंग एंड दिस इज व्हाई आयरन रस्ट फास्टर इन एरिया क्लोज टू द सी और ओशन। और इसी तरीके से जो सॉल्ट होते हैं और जो एसिड वाले जो रीजन होते हैं उन जगह पर क्या होता है रस्टिंग जो है ज्यादा फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो सी के किनारे होते हैं ओशन के किनारे होते हैं इनमें सॉल्ट जो होते हैं ज्यादा होते हैं, सॉल्ट जो होते हैं इनके वाटर में ज्यादा मिलते हैं, तो ऐसे जगह पर जो मेटल्स होते हैं उनमें रस्टिंग क्या होती है काफी ज्यादा जो है होती है। नेचर ऑफ मेटल ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन। अब यहाँ पर जो मेटल का जो नेचर है वो भी इफेक्ट करता है कोरोजन के रेट को। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल सरफेस।
मतलब रस्टिंग का मतलब कोरोजन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक लेयर जम जाना ऑक्साइड का, किसके ऊपर में, मेटल के ऊपर में। तो मेटल के ऊपर में अगर एक लेयर जम जा रहा है ऑक्साइड्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। मोस्ट कोरोजन प्रिवेंशन मेटल्स ट्राई टू प्रिवेंट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल। अगर आपको कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस मेटल के साथ मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो है उसके कॉन्टेक्ट में जो है ना आ पाए। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर यूजुअली पेंट और ग्रीस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि हाउ यू विल प्रिवेंट द कोरोजन, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, या तो आप उस पर पेंट लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, ऑन आयरन सर्फेस टू प्रिवेंट कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फियर, इट इज नोन एज बैरियर प्रोटेक्शन। और किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन जो है बोलते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऑयलिंग कर सकते हो, आप किसी मेटल के ऊपर में दूसरे मेटल की कोटिंग भी कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू कोट द सरफेस ऑफ द आयरन एंड विथ मेटल सच एज टिन, निकल, क्रोमियम। और टिन, निकल, क्रोमियम जैसे मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ताकि मेटल्स को हम लोग क्या कर सकें, रस्टिंग से बचा सकें। अब यहाँ पर देखो, कोरोजन ऑफ मेटल कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग द मोर रिएक्टिव मेटल, दिस प्रोसेस इज नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आयरन का मेटल है और इसको हमको रस्टिंग होने से बचानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मेटल के साथ कॉन्टेक्ट में रख देंगे जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता हो, इससे ऊपर हो। मतलब अगर आपको किसी मटेरियल को रस्टिंग होने से बचानी है तो आप क्या करो, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से जो ऊपर है, जैसे कॉपर आयरन से ऊपर है, या जो भी ऊपर है, सोडियम है, पोटेशियम, जो भी मेटल जो है, लिथियम है, जो भी आयरन के रिएक्टिविटी सीरीज से ऊपर है, उसके साथ इसको कॉन्टेक्ट में रख दो। इससे फायदा क्या होगा, ये जो आयरन से जो ज्यादा रिएक्टिव है, पहले रस्टिंग इसकी होगी, फिर बाद में रस्टिंग इसकी होगी, तो इसके कारण से हमारा जो आयरन है वो क्या होगा, बच जाएगा। तो अगर एक तरीका तो ये हो गया बचाने के लिए, कि बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उससे हाईली रिएक्टिव को उसके साथ क्या कर दो, रख दो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जो है बोलते हैं। यू माइट हैव हर्ड अ गैल्वेनाइज्ड आयरन वेयर द आयरन ऑब्जेक्ट इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल। एक और तरीका होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, आयरन का जो मेटल होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आयरन के ऊपर में हम लोग जिंक मेटल की कोटिंग जो है कर देते हैं। जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए सबसे पहले जो ऑक्साइड का जो लेयर जमता है वो किस पर जमता है, जिंक पर जमता है, और हमारा आयरन जो होता है वो रस्टिंग होने से बच जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सम मेटल आर प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग अ कोरोजन रेजिस्टेंस सॉल्यूशन। इन दिस प्रोसेस बेसिक सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट एंड द फॉस्फेट आर यूज्ड टू कोरोजन रेजिस्टेंस सॉल्यूशन। जैसे आपने स्टेनलेस स्टील के बारे में सुना होगा, स्टेनलेस स्टील जो होता है जनरली उसमें जल्दी से जो है रस्टिंग जो है नहीं होती, क्योंकि जब स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो उसके अंदर में ऐसे चीजें ऐड कर दी जाती है जो कि एंटी कोरोजन होती है। तो उसी तरीके का यहाँ पर क्रोमेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये ऐसे चीजें हैं जो कि एंटी कोरोजन एजेंट जैसा बिहेव जो है करते हैं। सम टाइम आयरन इज मिक्स्ड विद द अदर मेटल टू फॉर्म अलॉय एंड दिस डू नॉट रस्ट एट ऑल, रस्ट रेयरली। अब क्या होता है, कई बार आयरन को क्या किया जाता है, किसी दूसरे मटेरियल के साथ भी जो है मिक्स करके डाल दिया जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय भी क्या होता है, बहुत कम जो है उसमें रस्टिंग होती है। अब आगे देखो, केमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर में रस्टिंग जो है किस तरीके से होती है। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। मतलब इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और केमिकल मतलब होता है चेंजेस होना। तो इलेक्ट्रॉन के चेंजेस होने का ही एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग जो है बोलते हैं। व्हेन मेटल लाइक आयरन आर प्लेस्ड इन एयर ह्यूमिड कंडीशन, देन नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन डेवलप ऑन इट सरफेस बिकॉज ऑफ विच इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब आप आयरन को एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में खुला छोड़ दोगे तो उसका एक पोर्शन जो होगा पॉजिटिव जैसा बिहेव करना चालू करेगा, और सेकेंड पोर्शन जो होगा वो नेगेटिव जैसा बिहेव करना जो है स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, इस फिगर में देखो, ये एक आयरन का रॉड है, इसका ये वाला जो एंड है वो एनोड की तरफ बिहेव कर रहा है, और ये वाला जो एंड है वो कैथोड की तरफ जो है बिहेव कर रहा है। इस वाले एंड में क्या हुआ, जो आयरन था, आयरन ने अपना दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, दूसरे वाले एंड पर जो है आ गया, जहां पर ह्यूमिडिटी और वाटर जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन था, आयरन ने अपना दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर लिया, Fe+2 बना लिया,
देखो जब कोई एटम या एलिमेंट या मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर में हमेशा प्लस लिखते हैं, और अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर में माइनस लिखते हैं, सीएल माइनस हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे माइनस होते हैं, एनए जैसे प्लस होता है, तो जो छोड़ते हैं उसको प्लस बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं उसको माइनस बोलते हैं। तो एक एंड पर आयरन ने क्या किया, अपना दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दूसरे एंड पर उसी दो इलेक्ट्रॉन को जो है किसने ले लिया, वाटर ने जो है ले लिया, और उसने क्या बना लिया, हाइड्रोक्साइड जो है बना। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, आयरन ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयरन जो है ये बनाया पॉजिटिव, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया, ये एनोड पर हुआ। फिर कैथोड पर क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इलेक्ट्रॉन आर टेकन अप वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म OH माइनस। जिस दो इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ा था, अब यहाँ पर ये एक एलिमेंट की बात की है, अगर दो आयरन होगा तो चार इलेक्ट्रॉन छूटेगा, तीन आयरन होगा तो छह छूटेगा, तो चार इलेक्ट्रॉन आते हैं वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड जो है बना लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये जो आयरन जो होता है ये और ये दोनों हाइड्रोक्साइड जो Fe+2 है और OH- है, ये फिर से आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, FeOH ट्वाइस जो है बनाते हैं। फिर ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 और XH2O जो है बनाता है। ये है रस्टिंग का फॉर्मूला, ये एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, सो Fe2O3.XH2O। तो हुआ क्या, वापिस से सबसे पहले स्टेप में आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा आयरन के दूसरे एंड पर जो वाटर था और जो ऑक्सीजन था उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लिया। फिर तीसरे स्टेप में ये जो आयरन था और ये जो हाइड्रोक्साइड था दोनों आपस में कंबाइन हुए और फेरस हाइड्रोक्साइड बना, ये चौथा स्टेप है। फिर पांचवा स्टेप में क्या हुआ, फेरस हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाए, रस्टिंग जो है बनाए। अब आगे देखो लास्ट टॉपिक अलॉय। अलॉइंग इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। किसी मेटल की प्रॉपर्टीज में अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उस पर क्या कर दो, कुछ दूसरे मेटल्स का मिक्सचर कर दो, इसी को बोलते हैं अलॉय। तो अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट इज अ मेटल कॉल्ड अलॉय। एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो नई चीज बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव बीन मेकिंग एंड यूजिंग अलॉय सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। और इसका जो यूज है आज का नहीं है, आज से कई हजारों साल पहले से जो है ह्यूमन बींग्स क्या करते आ रहे हैं, इनका यूज जो है करते आ रहा है। अलॉइंग इज डन टू इंक्रीज द हार्डनेस। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि अलॉइंग क्यों की जाती है, तो सबसे पहला रीजन है उसके हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए जो है यूज किया जाता है। अलॉय कैन बी इजिली कास्ट और मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप इन द फाइन यूजर्स इन मेनी एरियाज। अगर प्योर मेटल है तो प्योर मेटल को जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर पाना क्या हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर अलॉयज है, जैसे अलॉयज होने के कारण क्या होता है, उसको बेंड करना इजी होता है। जैसे अगर आप प्योर आयरन लोगे, प्योर लोहा लोगे, प्योर आयरन, तो उसको बेंड करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दोगे तो इसके कारण से इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, फिर आयरन को बेंड कर पाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और फिर बेंड करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। तो एक तो ये सॉफ्ट भी करता है और अलॉय जो होता है वो हार्ड भी करता है। जैसे जो प्योर गोल्ड होता है, ज्वेलरी कभी भी प्योर प्योर 100% गोल्ड की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि उसका बियरिंग स्ट्रेंथ कम होता है। तो हम लोग गोल्ड में क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज मिक्स कर देते हैं जिसके कारण से उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो अलॉय जो होते हैं वो हार्ड भी करते हैं चीजों को और सॉफ्ट भी जो है करते हैं। एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग वन ऑफ द मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर मेटल। अच्छा अलॉय बनता कैसे है, तो जिस मेटल में आपको इंप्योरिटीज मिक्स करनी है सबसे पहले आप उस मेटल को पूरा एकदम गर्म करोगे, फिर गर्म करने के बाद आप दूसरे मेटल को उसमें क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। द मिक्सचर इज देन कूल्ड एट एंड रूम टेम्परेचर टू गेट अलॉय। फिर इसको आप रूम टेम्परेचर पर क्या करोगे, ठंडा करने के लिए छोड़ दोगे। While making alloy metals are chosen carefully so that we can get the desired properties in the resulting alloy. अब ऐसा नहीं कि alloy बनाने के लिए किसी भी metal को आपने किसी भी metal के साथ mix कर दिया, उसके लिए एक proper criteria होता है, proper आपको किस type की properties चाहिए उस type से आपको metals को जो है mix करना जो है पड़ता है। Iron is the most widely used metal but we can't use it in the pure form. Iron जो होता है definitely without a doubt ये सबसे ज़्यादा use होने वाला metal है, लेकिन इसको pure form में use नहीं कर पाते क्योंकि ये क्या होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। बट इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज मिक्स्ड इन इट, इट बिकम्स हार्ड। लेकिन अगर उसी आयरन में अगर थोड़ा सा अमाउंट में कार्बन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा।
स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन वेयर निकिल क्रोमियम आर ऑल्सो एडेड विद द कार्बन. तो कार्बन क्रोमियम और निकिल, वैसे निकिल और क्रोमियम जो होते हैं वो एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब एंटी रजिस्टिंग होते हैं, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, रजिस्ट करने जो है रस्टिंग करने नहीं देते. क्रोमियम प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग दस इंक्रीज इट्स यूजफुलनेस. जैसे ही क्रोमियम मिलाते हैं उसका रस्टिंग करने का जो प्रॉपर्टी होता है क्या हो जाता है, कम हो जाती है, और उसके कारण से क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं. तो ये आपके पास टेबल है, जैसे ब्रॉस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन सिल्वर, मैग्नीलियम, बेल मेटल, गन मेटल, सोल्डर, टोरियलियम, ये सब किस किस पर्पज के लिए होता है और कितना कितना कंपोजिशन जो है होता है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा. छत्तीसगढ़ इज अ प्राइमरी साइट फॉर आयरन और एन ऑल्सो हैज मेनी स्टील प्रोडक्शन प्लांट. छत्तीसगढ़ हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद द आयरन एंड डिफरेंट एरियाज फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन ऑफ द क्राफ्टमैनशिप. हमारे छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली क्या है, बीएसपी प्लांट आपको पता होगा जो कि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है. तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है क्या है, स्टील का हब है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आयरन ओर्स मिलेंगे. Our essential not only discovered technique of iron extraction but also prepared many different alloys by mixing iron or other metals. यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे ओर्स ही नहीं है बल्कि यहाँ बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इन मेटल्स का जो है एक्सट्रक्शन जो है किया जाता है. तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो. बाय बाय. कमेंट करके बताने कि आपको कौन से चैप्टर्स के वीडियोज जो है साइंस में चाहिए. बाय बाय.